हेलो दोस्तों, मैं हूं अशिमा कम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेशन चैनल। आज हम बात करेंगे आपका सेकंड चैप्टर के बारे में मैथमेटिक्स का। पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं सेट थ्योरी के बारे में, अब हम सेकंड चैप्टर यहां पे बात करने जाएंगे। इस चैप्टर को बढ़िया से देख लीजिए क्योंकि मैथमेटिक्स में यानी सेट थ्योरी के बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है आपका वो है रिलेशन एंड फंक्शन। ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपको हर मैथ में लगभग बताया जा सकता है कि त्रिकोणमिति में, उसके बाद प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिक्स में यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फिर ग्रेजुएशन लेवल में आप मैथ के कहीं भी जाएंगे, लेकिन ये मैथ आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ये मैथ आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इस मैथ को जब तक आप बढ़िया से नहीं समझेंगे तो फिर आपको क्या होगा, आगे चल के भी दिक्कत होगा। तो आज हम आपको इस मैथ को यानी रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे और इसमें हम बता देंगे कि जैक बोर्ड में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, यहाँ से चार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है फर्स्ट ईयर में। तो यदि यहाँ से चार क्वेश्चन पूछा जाए, दो नंबर करके आपको मिले, तो आठ नंबर इस चैप्टर से है। तो इस वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखिए क्योंकि हम यहाँ बहुत अच्छा एकदम कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट बात होंगे वो बात के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को रिलेशन एंड फंक्शन इस चीज के बारे में जानने के लिए हमको यहाँ पे देख सकते हैं आपके सेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद फंक्शन। इस कुछ बिंदु पर हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको जानना होगा कि सेट क्या है। सेट हम जानते हैं कलेक्शन कि क्या है, कि कलेक्शन विल डिफाइन होना चाहिए और किसका कलेक्शन होना, ऑफ ए ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का कलेक्शन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब फिर जानेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग को जानना बेहद जरूरी है। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, एक है ए और एक है बी, दोनों आपका नॉन एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, यानी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि ए और बी रिक्त समुच्चयों नहीं होना चाहिए, यानी ये फांका सेट नहीं होगा, ठीक है। तो यदि ए और बी दो सेट है, इसके बीच यदि हम क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, तो ये आपका कार्टेशियन बन जाता है। कार्टेशियन में जो आपके ऑर्डर आएंगे, यानी पहला जो होगा ए और बी, ठीक है, सच दैट ए जो होगा बिलोंग्स टू ए एंड बी जो होगा वो बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करेगा, बी से। इस चीज को आपको जानना होगा। इस चीज को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं कि पहला होगा पहला सेट का, दूसरा होगा दूसरा सेट का। इस चीज को बढ़िया से आपको जानना बेहद जरूरी है। देख लीजिए, जैसे हम लोग रियल लाइफ में, वास्तविक लाइफ में जो चीज हम अंदर पहनते हैं, यानी जैसे गंजी अंदर पहनते हैं, उसके बाद हम शर्ट पहनते हैं, तो हमको ऐसा ही ऑर्डर में पहनना है। यदि मान लीजिए हम अगर कमीज पहले पहन लेंगे, उसके बाद फिर गंजी पहनेंगे, तो फिर कैसा लगेगा, तो वो अलग हो जाते हैं। तो सेम टू सेम उसी तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला होगा उसी का एलिमेंट पहले आएंगे और जो बाद में होगा उसी का एलिमेंट बाद में आएगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को पहले आपको हम समझाएंगे, उसके बाद फिर हम रिलेशन में जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझाने के लिए आपको हम दो एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल दे देते हैं जहां से आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें एक सेट ले लेते हैं जिसके अंदर मान लीजिए आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और एक सेट है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, 2, हम यहाँ पे कुछ अलग ले लेते हैं, 4 और 5, ठीक है। इस चीज को आप देख लीजिए और इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को दो तीन विधि होता है रिप्रेजेंट करने, एक होता है ग्राफिकल विधि और एक होता है एरोडायग्राम विधि। तो एरोडायग्राम भी हम साथ ही साथ यहाँ पे दिखाते जाएंगे आपको, ठीक है। एक मान लीजिए सेट है, एक मान लीजिए सेट है, दो आपके पास सेट है, ठीक है। एक सेट में हम एलिमेंट रख देते हैं 1, एक सेट में एलिमेंट रख देते हैं 2, एक सेट में इसमें 3 और यहाँ पे 4 और 5, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक। इस चीज को आप समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे। तो ए क्रॉस बी जो होगा, हम बताए थे कि पहला जो सेट है, पहला सेट का पहला एलिमेंट, यानी पहला जो यहाँ पे सेट बनेगा, यानी जो भी बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वो पहला सेट का होना चाहिए। यानी 1 का जो होगा आपका 4c, ठीक। तो यहाँ पे 1, 4, फिर अब 1 का होगा कहाँ, 5c। इस चीज को आप जान सकते हैं, 1 का होगा कहाँ, 5c। आशा करेंगे कि आपको समझ में आए। अब फिर आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम दो लाइन में लिखेंगे। तो 2 हो
गया किसके साथ? 4 के साथ। फिर 2 हो जाएगा किसके साथ? 5 के साथ। तो 2 हो गया हमारा 5 के साथ। फिर और एक क्या होगा? 3 जो है 4 के साथ और 3 जो है 5 के साथ। ये हुआ आपका कार्डिशियन प्रोडक्ट। तो कार्डिशियन प्रोडक्ट में जो भी पेयर आपका बनेगा, जो भी जोड़ा युग्म बनेगा, उन युग्मों को, किसी भी युग्म को हम रिलेशन कह सकते हैं कि ए टू बी जो है सेट, उसका वो रिलेशन है। यानी हम रिलेशन को अगर आपको समझाएं तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन यदि मेरे पास आर हो तो ये आपका सुपर सेट बनेगा किसका? ए क्रॉस बी का। यानी ए क्रॉस बी के अंदर जो भी आपके पास पेयर में आएंगे, जो भी युग्मों में आएंगे, उन युग्मों से किसी भी आप युग्मों को ले सकते हैं और उसको आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या है? रिलेशन है। और रिलेशन को आप समझाने के लिए आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान के चलिए हम पहला एक युग्म ले लेते हैं, ऐसा हम इसको रिलेशन भी कह सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से उठा के ले लिए 1/4 और उठा के ले लिए हम 2/5, तो ये हम इसको रिलेशन कह सकते हैं। तो ये कहाँ से लिए हम? ये क्रॉस बी के अंदर से लिए हैं। तो यही आपका रिलेशन है। रिलेशन जो है 1:4, 2:5, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो आशा करेंगे कि आप कार्डिशियन प्रोडक्ट है जो वो समझ में आया है। कार्डिशियन प्रोडक्ट में हमेशा पेयर जो है उसका पेयर को आप कभी भी पेयर ऑर्डर को गड़बड़ाइएगा मत। यदि मान के चलिए यहाँ पे आप ऐसे बोलिएगा कि हम ए क्रॉस बी निकालते हैं भाई, तो हम ऐसा लिख देंगे 4 को पहले कर देंगे, 1 को बाद में कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे ऐसा आप कीजिएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर मान के चलिए यदि आपको यहाँ पे बताया जाए कि भाई आप B क्रॉस A निकालिए, ठीक है, यदि आपको बताया जाए कि B क्रॉस A निकालिए, तो फिर आप क्या कीजिएगा? जब B क्रॉस हमको A निकालने बोलेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? B को पहले लेंगे, B का एलिमेंट पहला आएगा, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। फिर आपके बाद क्या होगा? 4 होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा, उसके बाद क्या है? 5 है, 5 और 1 होगा, फिर 5 और 2 होगा, फिर 5 और क्या होगा? 3 होगा। तो इस तरह का आपका ये बन जाएगा। तो ये जो रिलेशन होगा यहाँ पे R जो रिलेशन होगा, ये सबसेट या सुपरसेट हम कह सकते हैं कि B क्रॉस E, ऐसा स्थिति हो जाएगा यदि हमको B क्रॉस A कहा जाए। तो ऐसा जो होगा तो ऐसा कभी भी ये रिलेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपका इनवर्स में चला जाएगा। तो आपको उस चीज हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ हम यहाँ पे कार्डिशन कुछ समझाएं कि कार्डिशन मतलब क्या होता है। तो आशा करेंगे कि सेट से, सेट के बाद कार्डिशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा रिलेशन में थोड़ा सा डील यहाँ पे करते जाएंगे हम। अब चलिए हम अब कुछ दूसरा पॉइंट में बात कर लेते हैं यहाँ पे, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। यानी जो रिलेशन होंगे, यानी रिलेशन का जो भी पार्ट बनेगा, उनमें से एक चीज होता है डोमेन और एक चीज होता है रेंज, और उसी के साथ साथ और एक चीज होता है जो कोडोमेन, ठीक है। उस चीज को भी आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए मान लीजिए मेरे पास एक रिलेशन है, ठीक है, मेरे पास एक रिलेशन है। इसमें है, आप मान सकते हैं कि 1:2 है, या तो यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हैं कि 1:4 है, उसके बाद 1:5 भी हो सकता है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशन जो है 1 है, उसके बाद तो फिर 2:4 है, उसके बाद आप मान के चलिए कि आपके पास 3 और 5 है, उसके बाद 3:4 है। तो इस तरह से एक रिलेशन है। तो इन रिलेशन में ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है, कार्डिशियन प्रोडक्ट नहीं है। कार्डिशियन प्रोडक्ट जिससे ज्यादा हो सकते हैं, इसमें ज्यादा एलिमेंट और आ सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन है। तो रिलेशन के अंदर जो भी फास्ट टाइम आ रहा है, ठीक, जो भी फास्ट टाइम आ रहा है उसको हम बोलेंगे डोमेन। तो यहाँ पे जो चीज आ रहा है 2, 1, 2, 3, 3, तो ये आपका हो जाएगा डोमेन। तो आप डोमेन में यहाँ पे लिख सकते हैं कि डोमेन जो होगा आपका, ठीक है, रिलेशन में जो भी चीज रहेंगे, ठीक है, तो डोमेन का अर्थ आप लिख सकते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन का डोमेन जो होगा वो आपका पहला एलिमेंट आ जाएगा यदि एक्स सच दैट, यानी एक्स ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यानी पहला जो टर्म है, पहला टर्म ही आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेन बराबर हम क्या लिख पाएंगे। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, कहाँ से? रिलेशन से।
रिलेशन में जो भी युग्म है वहां से पहला जो चीज आते हैं उन्हीं चीज को हम क्या बोलेंगे, आपका ये डोमेन बोलेंगे। फिर सेकंड क्या आता है, फिर ये आपका हो गया डोमेन। अब हम रेंज को देख सकते हैं, रेंज किसको बोलेंगे, ठीक, रेंज ऑफ रिलेशन, रिलेशन का रेंज, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे बी, ये बी बिलोंग्स टू आर, यानी जो भी रिलेशन होगा, रिलेशन के अंदर जो भी पेयर में एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंटों में से जो सेकेंड टर्म में आएंगे, यानी ये वाला हिस्सा आप कह सकते हैं, ये वाला हिस्सा जहां भी आते हैं इसी को आप क्या बोलेंगे, रेंज। तो मेरा यहाँ पे देखा जाए तो रेंज के अंदर क्या है, फोर और फिर फोर और फाइव, तो ये आपका रेंज बन गया। यानी आपके पास डोमेन जो होगा वन टू थ्री होगा और जो रेंज होंगे वो आपके क्या होंगे, टू और फाइव होंगे। अब चलिए हम एक किताब का मैथ ले लेते हैं और उन मैथ से हम क्या समझेंगे, यहाँ पे आपका रिलेशन भी समझ में आ जाएगा और डोमेन कोडोमेन भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अब मैथ को, किताब का मैथ को, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक हम मैथ लिए हैं, इसमें आर है एक रिलेशन, ठीक है। इसमें कंडीशन बताया गया कि एक्स एक्स क्यूब होगा और इसका क्या होगा, एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ये आपका सेट बोल्डर फॉर्म में रिलेशन को बताया गया है, सेट बोल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे कि इस रिलेशन से हमको निकालने बोला है कि इसका जो रिलेशन है वो आपका रोस्टर फॉर्म में निकालिए और इसका डोमेन और रेंज को निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हम यदि इसका हम रिलेशन निकालते हैं तो कैसे मेरा रिलेशन बनेगा। यदि यहाँ पे एक्स का मान प्राइम नंबर होता है, तो एक्स का मान प्राइम मतलब होता है कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या यदि हम मान के चलिए कि अभाज्य संख्या, हम अभाज्य संख्या का जो डेफिनेशन होता है दो से ही मान के चलिए दो ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा दो। तो दो का पावर करेंगे तो दो का पावर यहाँ पे क्या बन जाएगा, तीन। फिर सेकेंड क्या बनेगा, थ्री भी आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या होते हैं, यहाँ पे थ्री हो जाएगा तो थ्री का पावर थ्री हो जाएगा, क्योंकि x x का पावर बताया जा रहा है। यहाँ तो फोर नहीं होगा, फाइव, तो फाइव का पावर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, सेवन, सेवन का पावर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो यहाँ लेस देन के पहले यानी दस से छोटे जो है यहीं तक आपको अभाज्य संख्या होते हैं। तो ये आपका रिलेशन क्या बन जाएगा, तो दो और यहाँ पे आठ, यहाँ पे बन जाएगा आपका तीन और यहाँ पे बन जाएगा सत्ताईस, ठीक, यहाँ पे बन जाएगा 5 और 125, यहाँ पे बन जाएगा आपका 7 और यहाँ पे बन जाएगा 345, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे अब हमको मान के चलिए कि डोमेन निकालने बोले, डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन मतलब क्या समझा आया था, पहला जो जो चीज हम टिक लगाए इस चीज को आप देख लीजिए, तो ये आपका क्या बन गया, डोमेन। तो डोमेन में क्या आया, टू आया, थ्री आया, फाइव आया और सेवन आया, ये आपका हो गया डोमेन। और रेंज मतलब रेंज ऑफ आर रिलेशन, तो रेंज क्या है आपका, एट है, सेकंड वाला आपको देख सकते हैं, ठीक, सेकंड वाला। तो रिलेशन आपका एट हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 125 हो जाएगा और 345 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया, न रेंज हो गया, और पहला वो हो गया डोमेन। अब यहां से आपको और एक चीज हम और क्लियर करना करने की कोशिश करेंगे कि रिलेशन मतलब क्या, रिलेशन मतलब ये हम का रिलेशन का यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, ये आपका रिलेशन का डेफिनेशन है, ठीक है। यानी हम कहेंगे यदि हम टू रखते हैं तो उसका रिलेशन आठ होगा, यानी टू का रिलेशन किसके साथ है, आठ के साथ है। थ्री का रिलेशन किसके साथ है, 27 का साथ है। यदि हम x का मान 3 रखते हैं तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आपका क्या आएगा, 27 आएगा। तो इस तरह एक तरीका से हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो भी बनता है तो इनको हम इनपुट कह सकते हैं और इसको हम आउटपुट कह सकते हैं, आउटपुट, ठीक, इनपुट और आउटपुट, और उसके बीच में जो मीडिएटर के रूप में काम करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। आशा करेंगे कि ये मैथ से आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। और हम इस चीज को डील करने के लिए और इसमें कुछ पार्ट होते हैं जैसे इनवर्स रिलेशन होते हैं और कुछ इनमें पार्ट है, रिलेशन के टाइप और प्रकार है, उसके बाद फिर बाइनरी जो है
इक्विवेलेंट सेट है। तो इस सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं से आपसे इजाजत चाहेंगे और आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आखिर में आपसे यही कहेंगे कि इस चैनल में जब जुड़े रहते हैं तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस किया जाएगा और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेहद जैक बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। हम दोनों बोर्ड का इम्पोर्टेंट करेंगे। तो इस चैनल में जरूर आप बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।